그리고 뭐 메라 메라 मतलब है रजनी जी को बाहर बुला रहे। कौन? जी 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 चलिए। ये देखो कि मिस्टर खान है नंगू पंगू। पता है बचपन में ना इसे कपड़े पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत चिढ़ता था वो कपड़ों से। आजाद है अहमद खान कपड़ों से आजाद। अरे असद, आपकी शान में एक शेर अर्ज। ओहो क्या बात है, मुल्क की तारीख कहेगी कि आप मुल्क की शान थे। ओहो मुल्क की तारीख कहेगी कि आप मुल्क की शान थे। लोग तो दिन जाने के बाद बनते हैं, आप तो बचपन से ही सलमान थे। रुको, रुको, रुको। अरे आपको बताए मिस्टर खान, आपकी ये फोटोग्राफ मैं नेट पे डालने वाली हूँ। मिस फारूक की फोटोग्राफ्स वापस कीजिए। ओह रियली? और आपके सभी फ्रेंड्स को टैग करने वाली, और सब भी देखेंगे कि मिस्टर असद अहमद खान बचपन में कैसे घूमते थे। मिस फारूक की आपकी भी बचपन की फोटोग्राफ्स होंगी, मेरे हाथ आएंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। वो न्यूयॉर्क में है, जाइए लेकर आइए। नहीं, इनकी कबर में है इनकी फोटोग्राफ। टमाटर आपसे झूठ कहा था, आपको कोई नहीं बुला रहा। जी फिर आपने हमें यहां क्यों बुलाया? पता नहीं, आई मीन मैं खुद नहीं जानता मैंने आपको वहां से क्यों निकाला। आई एम सॉरी। जी कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम्हें तो किसी ने बुलाया था ना? क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो जी बुलाया है ना।
मामी जी ने वो क्या है ना, इनकी मामी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हम बस जा ही रहे थे। अच्छा तो तुम जाओ और मामी जी का अच्छे से ध्यान रखो, हमें तो सारा जीवन साथ रहना है। इस घर के लोगों के साथ तो बस थोड़ा सा साथ हो रहा है, पर जितना समय भी है उनकी अच्छे से सेवा करो। जाओ। Disappointed in you, Zoya. क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको ऐसी बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। कौन सी बात? एक ही बचपन में हेयर ऑयल की फैक्ट्री आपकी वजह से चलती थी। This is very serious, Miss Varuki, आप मुझे पहले बता दें। ओह, मिस्टर खान! मिस्टर खान, ये एल्बम मुझे वापस कीजिए। एक तो पहले ही आप मेरी कबर खोल के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। प्लीज एल्बम मत खोलिएगा। मिस वारुकी, आपको मुझे मैनेज के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। मिस्टर खान, दीजिए, इधर दीजिए। एक मिनट, यहाँ पर। मिस्टर खान, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं। मिस्टर खान, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि आपकी बचपन की फोटोग्राफ कैसी है। इसमें मेरे बचपन की कोई फोटोग्राफ नहीं है, ट्रस्ट मी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर मैं देख लूँ तो? सोफे पे लड़ जाऊंगी मैं चप्पल लेकर। मिस वारुकी, नीचे उतरिए। ये लीजिए, गंदा हो रहा है आपका सोफा। मिस्टर खान, देखिए मैं चप्पल लेके खड़ी हूँ। देखिए मिस्टर खान, किसी की पर्सनल फोटोग्राफ देखना बहुत ही गलत बात है। और किसी की पर्सनल फोटोग्राफ पे कमेंट करना और भी बुरी बात है, स्पेशली आपके लिए। मिस तेलबुर की शहजादी, आगे देखते हैं। इधर देखिए, क्या कर रहा है? बस वही एक फोटोग्राफ थी, आपने देख ली ना, मुझे वापस कीजिए। मिस्टर खान प्लीज, मुझे वापस कीजिए, मैं छीन सकती हूँ, आपको पता नहीं मुझे कराटे आते। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मिस्टर खान। ओके फाइन, ले लीजिए, यहाँ है। अब मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है मिस्टर खान, आप कर क्या रहे हैं? लव लेटर आपका? क्या? एमएस धोनी के लिए। ओह कम ऑन मिस्टर खान, प्लीज देख लीजिए। आई वुड बी हस्बैंड के लिए टू डू लिस्ट फॉर मी। मैं बच्ची थी मिस्टर खान। बच्चे अपने होने वाले हस्बैंड के लिए लिस्ट नहीं बनाते। लड़कियां लड़कों से जल्दी मेंटली ग्रो कर जाती हैं। वी आर नेचुरली गिफ्टेड, ओके, हम अपना फ्यूचर बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं। तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी लिस्ट में है क्या। मिस्टर खान प्लीज। वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के आपको बेड में देंगे हर रोज। आप दे रहे हैं मिस्टर खान?
ब्रेकफास्ट मिस्टर खान ये लिस्ट कम ऑन मिस्टर ठीक है इतने शौक है ना आपको पढ़ने का ठीक है पढ़ लीजिए मैं जा रही हूँ मिस्टर खान आप सच में चाहती हैं कि ये सारी विशेष पूरी हो जाए कौन पूरी करेगा आप देखिए मिस्टर खान ये बहुत ही इमोशनल बहुत ही डेलिकेट से विशेष हैं आपके कैरेक्टर के एकदम ऑपोजिट और मेरा कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है मिस वरुण देखिए मिस्टर खान अगर मैंने अपने विश लिस्ट में ये लिखा होता कि मेरा हस्बैंड 90 केजी के बेंच प्रेस मारे 10-10 गुंडों को एक साथ पीट दे और इमोशनली चैलेंज होके कभी कभी मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करे तो आप वो सारी विशेष पूरी कर देते ये मिस्टर खान ये क्रेजी सी लड़की के बहुत ही स्टूपिड से ड्रीम्स हैं और इस क्रेजी लड़की के हर स्टूपिड ड्रीम्स पूरा करना मेरी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं आप मिस्टर खान आप वुल्वरीन टाइप हैं और ये सब किसी एक्शन हीरो के बस की बात नहीं है रोमांटिक हीरो ऐसा कर सकता है आपसे नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं आप उठ गई उसे 2 मिनट में आ रही हूं आसपा
breakfast in bed. Sehri ka waqt ho gaya. Please kha lijiye. And make sure you finish everything. Bahut mehnat lagi hai ise banane mein. Kya kar rahi hai aap? मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ. कंफर्म करना चाहती थी. मुझे पिंच करके 16 साल की जोया की विश लिस्ट की फर्स्ट विश पूरी हो गई. और वैसे भी मैं आप पर इतनी बार चिल्लाया, कितनी बार आपकी बात नहीं मानी, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना. अब प्लीज रोइएगा मत. वो क्या ना, शायद पिज्जा इतना बुरा बना है कि आपको खा के फिर से रोना पड़ेगा, तो आंसू बचा के रखिए. Thank you.
आपकी मैडम जी।